हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आप सभी का ही हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन करती हूँ मैं प्रीति मंडयाल, इंडिया के सबसे पहले पॉकेट फ्रेंडली चैनल और ऐप पॉकेट पढ़ाई पर। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आज हम इंग्लिश NTA पेपर 2 के तहत यूनिट नंबर 8 लिटरेरी क्रिटिसिज्म के तहत नेक्स्ट क्रिटिक लेंगे, जिनका नाम है एरिस्टोटल और उनका क्रिटिसिज्म आज हमने देखना है। सो दोस्तों, आपके सामने फ़ोटो मौजूद है। ये फ़ोटो डायरेक्ट नहीं है एरिस्टोटल का, बल्कि उनकी एक काइंड ऑफ पत्थर की मूर्ति है जो मैं आपको शो कर रही हूँ। कि एज सच एरिस्टोटल का कोई फ़ोटो हमें ऑनलाइन मिला नहीं जो मैं आपसे शेयर कर सकती थी। और एरिस्टोटल बहुत ही पुराने क्रिटिक हैं, तो ऑब्वियसली उस समय फ़ोटो वगैरह इतने अवेलेबल भी नहीं थे। तो आइए देखते हैं इन्होंने क्या क्या बातें कही हैं। तो इससे पहले कि मैं एरिस्टोटल का क्रिटिसिज्म शुरू करूं, एक बात मैं आप सबको बता देना चाहती हूं कि मैंने बिल्कुल शुरू में भी कहा था, ये जो भी क्रिटिक हम इस यूनिट के तहत ले रहे हैं, ऑलमोस्ट सब ने ही सेम बातें कही हैं सेम सेम टॉपिक पे। तो मेरी रिक्वेस्ट है एक एक करके अलग अलग को भी देखें कि किस क्रिटिक ने क्या कहा है, और बाद में कंपैरिजन के तौर पे भी हर क्रिटिक को आपने ज़रूर देखना है। ठीक है, तो एक एक करके कर लो, फिर कंपेयर करके भी देखते चलो, ताकि आगे दौड़ पीछे चौड़ ना हो और NTA लेवल की तैयारी आपकी होते रहे। अब दोस्तों, एक ऐड आई थी, अगर आपको याद हो, एक संतूर साबुन की ऐड थी, मैंने एक समय पे देखी है। उसमें छोटा सा बेबी कहता है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। ठीक है, तो इस प्रकार से आती थी, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर। तो वैसे ही यहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, सोक्रेट्स यानी कि सुक्रेतो का स्टूडेंट था प्लेटो, और प्लेटो का स्टूडेंट था एरिस्टोटल। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, सोक्रेट्स का स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो का एरिस्टोटल। ठीक है, और इन एरिस्टोटल से पहले मैंने प्लेटो ही एज अ क्रिटिक आपको कराए हैं। तो सोक्रेट्स एक पर्सन थे जिन्हें हम हिंदी में सुक्रेतो भी कहते हैं, उनके स्टूडेंट थे दोस्तों प्लेटो। ठीक है, और प्लेटो के आगे स्टूडेंट थे एरिस्टोटल, जिन्हें हम अरस्तु भी कहते हैं। ठीक है, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का अकबर, सोक्रेट्स का स्टूडेंट प्लेटो, प्लेटो का एरिस्टोटल। ठीक है, तो आइए देखते हैं एरिस्टोटल ने क्या क्या बातें कही हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एरिस्टोटल के क्रिटिकल ट्रिटाइज कौन से हैं, यानी कि क्रिटिसिज्म से कौन से संबंधित उन्होंने वर्क दिए हैं। सो दोस्तों, क्रिटिसिज्म से संबंधित इनके जो वर्क हमने करने हैं, वो एक उनका वर्क है पोइटिक, ठीक है जी, और एक उनका वर्क है रिटोरिक। कौन कौन से हैं? एक है पोइटिक और एक है रिटोरिक। ठीक है, पोइटिक क्या है? पोइटिक है जो आर्ट ऑफ पोइट्री बताए कि कैसे पोइट्री लिखनी चाहिए, कैसे कविता लिखनी चाहिए। और रिटोरिक क्या है? रिटोरिक है आर्ट ऑफ स्पीकिंग, कि हमको बोलना कैसे चाहिए, हमें स्पीक कैसे करना चाहिए। ठीक है, और जब कभी लैंग्वेज की बात आती है, आप लिखते भी हो, राइट भी करते हो, और आप बोलते भी हो, स्पीच यानी कि स्पीकिंग भी करते हो। ठीक है, तो एरिस्टोटल के ये दो वर्क हैं, एक है पोइटिक्स जिसमें उसने आर्ट ऑफ पोइट्री यानी कि कविता लिखने की कला बताई है, कविता कैसे लिखनी चाहिए, उसमें क्या क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे कैसे चीज़ें करनी चाहिए। और एक उसने बताया है रिटोरिक, कि अगर कोई चीज़ आपने लिख दी है ऑलरेडी, तो आपने उसको बोलना कैसे है, उससे संबंधित स्पीच कैसे देनी है, स्पीक उस पर बोलना कैसे है। तो ये तो हो गए इसके क्रिटिकल ट्रिटाइज यानी कि क्रिटिसिज्म से संबंधित वर्क, और जिसमें जो बताया गया है, जो थीम है, वो भी मैंने बता दिया। अब आगे दोस्तों, मैं आपको बताऊंगी कि इन्होंने पोइट्री पे क्या क्या ऑब्जर्वेशन की थी। इससे पहले कि मैं पोइट्री पे इनकी ऑब्जर्वेशन बताऊं, याद करो पीछे मैंने जब प्लेटो पढ़ाया था, प्लेटो ने भी पोइट्री पे अपनी ऑब्जर्वेशन दी थी, है ना। और पोइट्री पे प्लेटो की क्या सोच थी? थल्ले थल्ले, मतलब उसको पोइट्री इतनी अच्छी नहीं लगती थी। बड़ा कुछ कहा था ना उसने कि उसमें मॉरल करेक्टर नहीं है, इमोशन टच नहीं है, कोई इंस्पायरेशन नहीं है, है ना, वो सारी चीज़ें। तो ये सारी बातें कहकर प्लेटो ने कहा था पोइट्री की थल्ले थल्ले। अब देखते हैं कि एरिस्टोटल की क्या सोच है पोइट्री को लेकर। तो सबसे पहले इसने कहा पोइट्री को लेकर कि जो पोइट्री है ये फिलोसफिकल है, यानी कि फिलोसफिकल है, यानी कि जब कभी आप कोई कविता लिख रहे हो ना, तो बेसिकली आपकी जो फिलॉसफी है, जैसे आपकी जो सोच है, आप उसको रिप्रेजेंट कर रहे हो। और तो ये तो दिखती सी बात है बेटा,
आई ऑलवेज से जैसा होगा तन वैसा होगा मन, वैसी होगी लेखनी। तो जो भी हम चीज़ों से गुजर रहे होते हैं उसी पे हमारी सोच बनती है और उसी सोच को हम लिख देते हैं, अपनी सोच को लिख देते हैं। तो ये पोइट्री जो है फिलोसफिकल है, आपने अपनी फिलोसफी उसमें रिप्रेजेंट की है। एक पोइट ने जो भी फील किया है उसको वो उस फिलोसफी को वो बता रहा है। इसके बाद नेक्स्ट उन्होंने कहा, पोएट्स इमिटेशन रिवील ट्रूथ ऑफ परमानेंट और यूनिवर्सल काइंड, कि जब कभी कोई पोएट कविता लिखता है तो वो बेसिकली इमिटेट करता है, नकल करता है उन ट्रूथ को, उन सच्चाइयों को जो परमानेंट है, यूनिवर्सल है। कहने का मतलब क्या है, एक एग्जांपल देती हूँ तो आपको पता लगेगा। देखो कोई भी कवि होता है ना, वो किन चीज़ों को अपनी कविता में यूज़ करेगा? वो बात करेगा चांद सितारों सूरज की, अगर मैं चीज़ों की बात करूँ पहाड़ों की, वो अगर फीलिंग की बात करूँ लव लस्ट ग्रीड ऑनेस्टी की। तो पोएट क्या इमिटेट कर रहा है, पोएट क्या चीज़ कह रहा है? वो बेसिकली जो परमानेंट एंड यूनिवर्सल ट्रूथ है, जो ऑब्वियसली वो फीलिंग जो पहले भी थी आज भी थी उसी को बता रहा है। जो यूनिवर्सल चीज़ें हैं, चाहे हमारी फीलिंग्स हैं इमोशन हैं, जो चीज़ें हमको दिख रही हैं पत्थर पहाड़ सब कुछ वही वो बता रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट उसने क्या कहा, पोएट इमिटेट करता है ट्रूथ ऑफ परमानेंट एंड यूनिवर्सल काइंड। तो जो भी यूनिवर्सल ट्रूथ हैं, जो भी परमानेंट चीज़ें हैं, उन्हीं को वो अपने वर्क में बताता है। ये बात उसने कही थी, इससे आप भी एग्री करोगे। वो कुछ ऐसा लिखेगा ही नहीं जो उसको आसपास नहीं दिख रहा है, वो ऐसा लिखेगा ही नहीं जिसको वो फील नहीं कर रहा है, वो वही लिखेगा वही बताएगा जो उसका अपना पर्सपेक्टिव है, जिससे वो जो उसने देखा है जो सच है। उसके बाद इसने कहा, पोइट्री इज फंक्शनल एंड टू प्रोवाइड प्लेजर। तो इसने कहा था पोइट्री का भाई प्रॉपर फंक्शन भी है, आप पोइट्री को ऐसे ही मत सोचो। ठीक है, पोइट्री प्रॉपर फंक्शनल है और इसका मेन फंक्शन क्या है, टू प्रोवाइड प्लेजर। इसका मेन फंक्शन है हमको खुशी देना, यानी कि जब कभी हम कोई कविता पढ़ते हैं तो वी फाइंड प्लेजर इन इट, हमको एक खुशी मिलती है। तो खुशी हमको दोस्तों कभी मिलती है जब हम उससे रिलेट कर पाते हैं, हमारे दिल को वो छूती है। ठीक है, तो इसने कहा था फंक्शनल है पोइट्री और ये हमको प्लेजर देती है। आगे क्या था, दो टीचिंग इज आल्सो नॉट रूल्ड आउट बट इट्स इमोशनल अपील लीड्स टू कैथारसिस। इसने ये भी कहा कि ऐसा नहीं है कि कोई एग्जैक्ट कुछ सीखने को ही आपको मिलेगा, ऐसा नहीं है कि कविता कुछ आपको टीच करके जाए, पर ये जरूर है ये इमोशनल अपील इसमें होती है जिससे हमारे अंदर कैथारसिस होती है। कैथारसिस क्या होता है, कैथारसिस एग्जाम्पल देती हूँ आपको, जब आप कोई मूवी देखते हो कोई हीरो मर गया यू स्टार्ट क्राइंग, आपको सच में लगता है कि यार हीरो मर गया। ठीक है, तो वो जो फीलिंग होती है ना, जब आपको सच में लगता है कि यार ये क्या हो गया, आप उस पर खो जाते हो, आप उस इमोशंस में बह जाते हो, वो वर्क आपको इमोशनली अपील करता है, डैट इज़ कैथारसिस। मतलब सच में वो हुआ नहीं है पर आपको लगता है सच में हुआ है। तो ये कहा उसने कि पोइट्री ऐसा नहीं है कि ठीक है कुछ टीच आपको करेगी, कुछ मॉरली कुछ दे, पर ये सच है पोइट्री की वजह से आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, आप वो आपको इमोशनली अपील करती है और आप कैथारसिस से गुजरते हो। कैथारसिस यानी कि जो आप देख रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, उससे आपको जो भी समझ आ रहा है उसके इमोशंस में आप बह जाते हो। अगर कुछ रोने वाली कोई एलगी है, रोने वाली पोइट्री है, यू विल स्टार्ट क्राइंग ऑन इट। अगर कुछ हंसने वाली है यू विल स्टार्ट लाफिंग ऑन इट। ठीक है, तो वो इसमें होता है। तो ओवरऑल कौन कौन से पॉइंट्स दिए, मैं एक बार इसको एक और पेन से मार्क कर देती हूँ। तो एक इसने पॉइंट दिया कि फिलोसफिकल है पोइट्री, फिलोसफिकल है, आपकी सोच को बताती है। दूसरा, पोइट्री इमिटेट करती है जो ट्रुथ है समाज के, उनको वो बताती है। ऑब्वियसली पोइट वही बताएगा जो वो देख रहा है। अगला, इसका फंक्शनल है प्रॉपर, ये हमें खुशी यानी कि प्लेजर देगा। चौथा, ऐसा नहीं है कि कुछ टीच करे, पर ये जरूर है इसकी वजह से आप जो है कैथारसिस से गुजरोगे, ये आपको इमोशनली लेवल पे अट्रैक्ट करेगी। तो अगर आप साथ साथ में अभी प्लेटो का कंपेयर करोगे ना, जो मैंने पढ़ाया था, प्लेटो ने अगर पोइट्री की ना थल्ले थल्ले, एरिस्टोटल ने की है पोइट्री की बल्ले बल्ले, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग, प्लेटो के अकॉर्डिंग पोइट्री इंस्ट्रक्शनल थी, इसके अकॉर्डिंग फंक्शनल है। उसके अकॉर्डिंग पोइट्री से कोई मॉरल सपोर्ट नहीं था, कोई इमोशनल अटैचमेंट कुछ नहीं था, जबकि ये कह रहा है इससे हमको मतलब इमोशनली हमें ट्रिगर करती है, हमें खुशी देती है। ठीक है, तो दोनों ने ही पोइट्री को बताया, पर प्लेटो के अकॉर्डिंग पोइट्री की थल्ले थल्ले उसने पोइट्री पे अटैक किया,
और एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग पोएट्री की बल्ले बल्ले उसने जो है इसको अच्छा बोला। तो साथ में कैसे प्लेटो ने उस पर अटैक किया, क्या पॉइंट्स दे के पोएट्री को नीचे किया, और एरिस्टोटल ने कैसे बल्ले बल्ले की, क्या पॉइंट दे के उसको ऊपर किया, ये आपने साथ साथ में कंपेयर करते हुए चलना है। एक एक करके क्रिटिक को करिए, फिर आपस में कंपेयर भी करिए, क्योंकि पेपर में प्रश्न एक क्रिटिक की क्रिटिसिज्म पे भी आ सकता है, दो या दो से ज़्यादा क्रिटिक को कंपेयर करके उनकी सोच पे भी आ सकता है। और जो पॉकेट पढ़ाई पे पढ़ेंगे प्रीति मंडयाल के स्टूडेंट हैं वो कहीं भी पीछे नहीं रहेंगे। आइए अब आगे बढ़ते हैं। तो अभी तक हमने एरिस्टोटल के क्रिटिसिज्म वाले वर्क देखे, अभी तक हमने देखा उन्होंने पोइट्री को लेकर क्या कहा, कैसे पोइट्री के बल्ले बल्ले की। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि ट्रेजिडी को लेकर उन्होंने क्या कहा है। तो जब मैं ट्रेजिडी की बात कर रही हूँ तो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट हेयर अबाउट बेसिकली ड्रामा, अब हम ड्रामा की बात कर रही हूँ। तो डू रिमेम्बर पीछे प्लेटो ने भी पोइट्री और ड्रामा दोनों के बारे में कहा है। पोइट्री का हमने दोनों को भी देख लिया, कंपेयर भी थोड़ा थोड़ा देख लिया, पर जब डिटेल में अच्छे से दोनों को देखोगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा। अब हम आगे बात करेंगे ट्रेजिडी की, ठीक है। सो दोस्तों ट्रेजिडी को लेकर बेसिकली मैं कुछ गुनगुनाती हूँ, आप सब मेरे साथ गुनगुनाओ, फिर मैं आपको समझाती हूँ ट्रेजिडी को लेकर क्या कहा है, ठीक है। तो मैं कुछ गुनगुनाने जा रही हूँ, ठीक है जी। तो आप सब मेरे साथ प्रॉपर गुनगुनाइए, आप सब मेरे साथ प्रॉपर गुनगुनाइए, मैं कुछ बोलने जा रही हूँ, ठीक है। चलिए देखो, पस टड सस, आपने इसको मेरे साथ गुनगुनाना है। क्यों गुनगुनाना है, क्यों ये पागल पंथी करनी है, मैं अभी बताऊंगी, पहले गुनगुनाओ। पस टड सस, 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 ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या हो रहा है। तो दोस्तों मैंने बोला पस टड सस, पस यानी कि पी सी, टड यानी कि टी डी, सस यानी कि एस एस। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, यहाँ पे पी का मतलब है प्लॉट, सी का मतलब है करैक्टर, पस प्लॉट एंड करैक्टर, टड टी से है थॉट, डी से है डिक्शन, टड, फिर सस एस से है सॉन्ग और एस से है स्पेक्टिकल, ठीक है। तो दिस इज पस टड सस, पस टड सस, प्लॉट करैक्टर थॉट डिक्शन सॉन्ग स्पेक्टिकल, प्लॉट करैक्टर थॉट डिक्शन सॉन्ग स्पेक्टिकल, प्लॉट करैक्टर थॉट डिक्शन सॉन्ग स्पेक्टिकल। अब ये मैंने क्यों बोला पस टड सस, फिर मैंने इससे क्यों बताए, क्योंकि ट्रेजिडी को लेकर दोस्तों एरिस्टोटल ने हमें ये छः पॉइंट दिए हैं मेन, कि कोई भी जो ट्रेजिडी होती है उसमें ये पस टड सस होता है, ये छः पार्ट उसमें मौजूद होते हैं, ये कहा है एरिस्टोटल ने, ठीक है। अब खास बात क्या है, आपके लिए सिर्फ ये छः पार्ट याद करने जरूरी नहीं है, बल्कि इसी सीक्वेंस में याद करने जरूरी है, पस टड सस, कि पहले प्लॉट आया फिर करैक्टर पस, फिर थॉट और डिक्शन आया टड, फिर सस आया सॉन्ग एंड स्पेक्टिकल। क्योंकि पेपर में ये भी प्रश्न बढ़ता है कि एरिस्टोटल के कौन से कंस्टिट्यूएंट हैं या नहीं, तो ये छः के छः आपको याद होने चाहिए, और ये भी पढ़ता है कि इनमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कौन है या घटते हुए क्रम में इनकी इम्पॉर्टेंस बताओ। तो अगर आपको पस टड सस याद है तो आपने ध्यान रखना है जो सबसे पहले आएगा वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो उसके बाद आएगा वो उससे कम इम्पॉर्टेंट है, और ऐसे ही जब आप अंत तक जाते जाओगे जो अंत में आएगा वो सबसे लीस्ट सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो पस टड सस एरिस्टोटल ने ये छः पॉइंट जो हैं हमें ट्रेजिडी के दिए हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो प्लॉट है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेजिडी का, फिर करैक्टर उससे कम इम्पॉर्टेंट पार्ट है, उससे कम इम्पॉर्टेंट है थॉट, उससे कम इम्पॉर्टेंट है डिक्शन, उससे कम इम्पॉर्टेंट है सॉन्ग, और सबसे कम इम्पॉर्टेंट है स्पेक्टिकल, ठीक है। तो ये छः के छः भी पता होनी चाहिए पस टड सस, और छः के छः प्रॉपर सीक्वेंस में पता होनी चाहिए, ताकि प्रश्न चाहे ऐसे पूछे या ऐसे, यानी कि पेपर में चाहे आपको ये प्रश्न आए कि भाई कौन से कंस्टिट्यूएंट दिए हैं ट्रेजिडी के या कौन से नहीं, या ये आ जाए कि घटते हुए क्रम में इनकी इम्पॉर्टेंस बताओ या बढ़ते हुए क्रम में, तो आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखें पस टड सस में जो सबसे पहले आ रहा है
वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, और जो सबसे अंत में आ रहा है वो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो चाहे घटते हुए क्रम में आए या बढ़ते हुए क्रम में, आप कैपेबल होने चाहिए। तो इसलिए मैंने ये टिप दिया था ताकि आप समझ पाएँ एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोस्तों आगे ट्रेजिडी में ये जो पस टड सस है, इन्हीं को हमने अब डिटेल में करना है, ठीक है। तो ये पस टड सस जो है, प्लॉट, करेक्टर, थॉट, डिक्शन, सॉन्ग, स्पेक्टिकल, इसमें हमने सिर्फ यही नहीं देखना कि कौन सबसे इम्पॉर्टेंट है, कौन सबसे कम इम्पॉर्टेंट है, बल्कि इनको हम थोड़ा समझेंगे कि ये चीज़ें जो बताई हैं एरिस्टोटल ने, इनका मीनिंग क्या क्या है, ठीक है। तो आइए सभी अपनी सीट की पेटियाँ बांध लें। सबसे पहले दोस्तों मैं बात करूँगी प्लॉट की। तो प्लॉट एरिस्टोटल के अकॉर्डिंग अगर उसने सबसे पहले रखा है तो दिखती बात है ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है ट्रेजिडी का, और इसको उसने सोल ऑफ ट्रेजिडी भी कहा है ना, आत्मा कहा है। देखो हमारी बॉडी ना जीरो है अगर हमारे अंदर सोल ना रहे, आत्मा ना रहे, यानी कि बिना सोल के वी आर डेड, वी आर नथिंग। तो वैसे ही एरिस्टोटल ने कहा विदाउट प्लॉट ट्रेजिडी इज जीरो, ट्रेजिडी इज नथिंग। प्लॉट सबसे इम्पॉर्टेंट है, प्लॉट ट्रेजिडी की सोल है, इसके बिना ट्रेजिडी हो ही नहीं सकती। और इसमें दोस्तों उसने कुछ चीज़ें कही थी, जैसे जो भी प्लॉट होता है उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए एक्शन की, यानी कि जो भी आप ट्रेजिडी परफॉर्म कर रहे हो, जो भी उसमें एक्ट्स हो रहे हैं उसमें एक यूनिटी होनी चाहिए। यूनिटी का मतलब क्या होता है, जैसे प्रॉपर एक बिगिनिंग, मिडल और एंड पार्ट हो, है ना, जैसे ना प्रॉपर सिस्टमेटिक वे से आपकी ट्रेजिडी की स्टोरी आगे बढ़नी चाहिए। ऐसा नहीं कि कभी कुछ कह रहे हो कभी कुछ कह रहे हो, क्योंकि फिर ऑडियंस पजल हो जाती है। अगर आपको ऑडियंस को बांध के रखना है तो आपकी ट्रेजिडी प्रॉपर यूनिटी वाइज होनी चाहिए, प्रॉपर सिस्टमेटिक होनी चाहिए, ताकि सामने वाले को भी समझ आता रहे कि कब आप क्या चीज़ की बात कर रहे हो। तो प्रॉपर बिगिन, मिडल और एंड होना चाहिए। और इसके तहत दोस्तों प्लॉट के तहत उन्होंने कुछ बहुत ही खास इंपॉर्टेंट टर्म दी थी। एक दिया था एनागोनोरिसिस, एक दिया था पेरिपेटिया, और एक दिया था डिनाउंसमेंट। ये बहुत ही खास चीज़ें हैं। जैसे मैंने ऊपर जस्ट अभी आपको बताया कि प्लॉट में यूनिटी हो, एक प्रॉपर बिगिन, मिडल और एंड पार्ट हो, तो इसी बिगिन, मिडल और एंड पार्ट से संबंधित ये तीन टर्म्स हैं, एनागोनोरिसिस, पेरिपेशिया एंड डिनाउंसमेंट, ठीक है। इसमें से एक मैं आपको बता देती हूँ, डिनाउंसमेंट का मतलब होता है हैप्पी एंडिंग। जब कभी वर्क तो आपका ट्रेजिडी वाला है, पर अगर उसकी एंडिंग जो है हैप्पी हो रही है, उसे हम कहते हैं डिनाउंसमेंट। और बाकी एनागोनोरिसिस का क्या मतलब है, पेरिपेशिया का क्या मतलब है, ये मैं आपको घर से सर्च करने के लिए टर्म्स दे रही हूँ। आप सब जानते हो 100 में से 99% मैं क्लास में पढ़ा के समझा के याद करा के देती हूँ, कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको होमवर्क भी देती हूँ, ठीक है। सो प्लॉट में मैंने कहा यूनिटी हो, प्रॉपर बिगिन, मिडल और एंड हो, तो जब कभी हैप्पी एंडिंग हो रही है डैट इज़ अ डिनाउंसमेंट, तो उसी से संबंधित है एनागोनोरिसिस, पेरिपेशिया। थोड़ी हिंट मैं दे देती हूँ कि क्या इनका मतलब है। देखो अगर कोई वर्क ट्रेजिडिक है, उसमें कुछ ट्रेजिडी हुई है, तो कोई ना कोई रीज़न होगा ना जिस वजह से वो ट्रेजिडी हुई होगी, तो उस रीज़न की बात करना वो उसी से संबंधित ये है। तो ये आपने देख लेना है। तो सबसे पहले हमने किया प्लॉट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये सोल है ट्रेजिडी की, इसके बिना प्लॉट हो ही नहीं सकता। और एरिस्टोटल ने कहा था प्रॉपर यूनिटी होनी चाहिए प्लॉट के एक्शन में, यानी कि प्रॉपर बिगिन, मिडल और एंड हो। इससे संबंधित तीन टर्म्स इंपॉर्टेंट है करने वाली, एनागोनोरिसिस, पेरिपेशिया, डिनाउंसमेंट। डिनाउंसमेंट है हैप्पी एंडिंग इन ट्रेजिडी, और बाकी दो टर्म्स मैंने आपको दे दी हैं, आपने पढ़नी है गूगल से। अब अगला आ गया दोस्तों पस का स, करैक्टर, ठीक है। तो करैक्टर इज बेसिकली मीडियम ऑफ प्लॉट, यानी कि देखो आपने चलो प्लॉट कोई बना ली, आपने कहानी कोई बना ली, पर कहानी को शो कौन करेगा, उसको रिप्रेजेंट कौन करेगा, उसका माध्यम कौन होगा, तो उसका माध्यम दोस्तों ऑब्वियसली करैक्टर होगा। आपने कोई लव स्टोरी वाला प्लॉट सोचा है, तो लव स्टोरी वाले प्लॉट को आगे रिप्रेजेंट कौन करेगा, किसके माध्यम से आप उसे शो करोगे, ऑब्वियसली करैक्टर के माध्यम से। तो करैक्टर को जो है नंबर टू इम्पॉर्टेंस दी है एरिस्टोटल ने। नंबर वन पे प्लॉट इम्पॉर्टेंट है, नंबर टू पे करैक्टर इम्पॉर्टेंट है। और ऑब्वियसली दोस्तों ट्रेजिडी है, तो कोई ना कोई जो हीरो होगा वो ट्रेजिक हीरो होगा, मेन हीरो के साथ ट्रेजिडी हुई होगी, तो उसी से एक संबंधित टर्म है हेमरेशिया। क्या सम है, हेमरेशिया। हेमरेशिया होता है ट्रेजिक फ्लॉ, यानी कि वो रीज़न जिस वजह से हीरो के साथ ट्रेजिडी हो गई है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, माना आप ट्रेजिडी लिख रहे हो, माना आपका जो मेन एक्टर है उसके साथ कुछ ट्रेजिडी, कुछ बुरा हो गया है, पर कोई ना कोई ऐसा रीज़न होगा ना, कोई ना कोई ऐसी कमी होगी जिस वजह से उसके साथ ट्रेजिडी हुई है,
या तो हो सकता है कि बड़ा ही ज़्यादा वो किसी पे ट्रस्ट कर रहा था और जिस पे उसने ट्रस्ट किया उसने उसको धोखा दे दिया, ठीक है, या हो सकता है कि वो मतलब परिवार से ज़्यादा इमोशनली अटैच है और उस वजह से वो सामने खुल के नहीं आ रहा, अपने विद्रोही के साथ पंगा नहीं ले पा रहा। तो जो रीज़न है जिस वजह से जो ट्रेजिडी होती है उसे कहते हैं हैमरेशिया, विच इज़ बेसिकली द मेन रीज़न, दैट मेन कमी, दैट मेन ट्रेजिक फ्लॉ ड्यू टू विच ट्रेजिडी हैपन विद द हीरो, ठीक है। तो नंबर दो पे इम्पॉर्टेंट है करेक्टर, करेक्टर के माध्यम से जो है ट्रेजिडी होती है, और जो कमी है, जो फ्लॉ है जिस वजह से ट्रेजिडी होती है उसे हम कहते हैं हैमरेशिया। ये कुछ भी हो सकता है, इट कैन बी ओवर ट्रस्टिंग, इट कैन बी एनीथिंग। उसके बाद दोस्तों थर्ड नंबर पे दिया है उन्होंने थॉट, थॉट यानी कि सोच। तो जो भी हमारा प्लॉट होता है, जो कहानी आगे बढ़ती है, उसमें कोई ना कोई सोच होगी ना, कोई ना कोई आप एक चीज़ रखोगे जो आपकी चीज़ को जस्टिफाई करेगी, आपके ट्रेजिक के एक्शन को जस्टिफाई करेगी। फॉर एग्जांपल, ठीक है जी ट्रेजिडी हो रही है, पर ट्रेजिडी क्यों हो रही है? क्योंकि जो हीरो है वो ओवर ट्रस्ट करता है। तो मेन वो रीज़न जिस वजह से उसने ओवर ट्रस्ट किया, डैट इज़ थॉट, ठीक है। तो जो आपकी कहानी को आगे बढ़ाएगा उसमें जो थॉट है, सोच है, किस प्रकार से क्या करना है, कैसे करना है, वो भी इम्पॉर्टेंट होगा। और थॉट भी दोस्तों दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं इंटेलेक्चुअल और एक होते हैं इमोशनल, ठीक है। तो जब इंटेलेक्चुअल वे से कुछ बुद्धिमानी वाली, कुछ आप फैक्ट फिगर की बात करोगे अपनी ट्रेजिडी में, उसे हम इंटेलेक्चुअल थॉट कहते हैं, जिसे हम डायलॉग भी कहते हैं। और जब कभी इमोशनल वे से कुछ बात हो रही है, प्यार मोहब्बत की या डाउनफॉल होने की, उसे हम जो है इथोस कहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली बेटा आपका कोई भी जो ट्रेजिक वर्क है सारा का सारा इंटेलेक्चुअल भी नहीं हो सकता कि सारी की सारी बुद्धि सी ही बात हो, फैक्ट फिगर की बात हो, या आपका सारा का सारा इमोशनल भी नहीं हो सकता कि इमोशनल वे से आप आगे बढ़ रहे हो ना। जैसे एक मूवी में फैक्ट फिगर भी होते हैं, इंटेलेक्चुअल चीज़ें भी होती हैं और कुछ इमोशनल चीज़ें भी होती हैं, सेम चीज़ ट्रेजिडी में है, ठीक है। ट्रेजिडी को जो आगे लेकर जाएगा, थर्ड नंबर पे इम्पॉर्टेंट है आपका थॉट, ठीक है। थॉट जिस वजह से जो भी आपकी कहानी है, जो भी एक्शन है वो होगा, उसका रीज़न हमें पता लगेगा। और ये थॉट दो प्रकार के होते हैं, डायोनिक एंड इथोस। डायोनिक में हम इंटेलेक्चुअल बुद्धि से, फैक्ट फिगर से होने वाली बातें करते हैं, एंड इथोस में हम इमोशनल बातें करते हैं, ठीक है। और जैसे एक सिक्के के दो पहलू हैं, हेड एंड टेल, एक के बिना दूसरा नहीं है, जैसे ज़िंदगी के दो पहलू हैं, खुशी और गम, एक के बिना दूसरा नहीं है, वैसे ही भी जो ट्रेजेडी है उसके भी दो थॉट हैं, डायोनिक यानी कि इंटेलेक्चुअल और इथोस यानी कि इमोशनल, दोनों ही होंगे तभी कहानी आपकी आगे बढ़ेगी। उसके बाद दोस्तों चौथे नंबर पे इम्पॉर्टेंट है डिक्शन। डिक्शन मीन्स जो आपने लिखा है, माना आपका प्लॉट आपने सोच लिया, करेक्टर आपने सोच लिए, थॉट कर लिया कैसे आगे कहानी बढ़ाओगे, पर एट द एंड सब कुछ बताने के लिए आपको डिक्शन चाहिए भाई, आपको लैंग्वेज चाहिए, है ना। आप ये सारा बताओगे कैसे? शब्दों के माध्यम से लिखोगे, डायलॉग लिखोगे एंड ऑल। तो डिक्शन को उन्होंने फोर्थ नंबर दिया था। फोर्थ नंबर का मतलब है इतना इम्पॉर्टेंट ये नहीं है। और एरिस्टोटल ने बेसिकली हमें छह प्रकार के डिक्शन दिए हैं, यानी कि काइंड ऑफ सिक्स प्रकार की चीज़ें हैं, सिक्स प्रकार के वर्ड्स, वोकैबुलरी की टाइप हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे फॉरेन टर्म्स हो सकती हैं, मेटामॉर्फोलिकल एंड ऑर्नामेंटल, न्यूकोलॉजीज एंड मॉडिफाइड फॉर्म। तो ये कुछ नहीं है, ये जैसे फॉरेन टर्म्स, कुछ बाहर के थोड़े बहुत शब्द यूज़ कर लिए। मेटाफोरिकल, मेटाफोरिकल होते हैं जब एक शब्द है पर वो किसी और को रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑर्नामेंटल, अच्छे अच्छे वर्ड्स यूज़ कर लिए। न्यूकोलॉजी, शब्दों का मिक्सचर यूज़ कर लिया। मॉडिफाइड, शब्दों को थोड़ा मॉडिफाई करके यूज़ कर लिया। तो ये नेम है ना, फॉरेन टर्म्स। आपने देखा होगा कुछ ऐसे मूवीज वगैरह आज की डेज में भी होती हैं जो हम बाहर के कुछ एक दो वर्ड लगा लेते हैं, वो बड़े पॉपुलर हो जाते हैं। मेटाफोरिकल, जब आप कुछ सिंबल के तौर पे कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो, ठीक है। जैसे हीरो ने हीरोइन को प्रपोज किया गुलाब का फूल लेके, तो गुलाब का फूल लेके गए, इट मीन्स वो बेसिकली लव की बात कर रहा है। मेटामॉर्फोलिकल, कुछ बताने के लिए आप कुछ एग्जांपल, कुछ सिंबल यूज़ कर रहे हो। ऑर्नामेंटल, ऐसे शब्द यूज़ करने जो हम ऐसे यूज़ नहीं करते। जैसे मैं बोलूँ क्या शब्द लिखे हैं, मैं बोलूँ अल्फाज, तो अल्फाज शब्द सुन के ना कुछ अच्छी सी फीलिंग आती है। ये उर्दू के शब्द ऑर्नामेंटल शब्द हैं, खूबसूरत शब्द हैं,
तो इस प्रकार के शब्द यूज़ करना, न्यू कॉलाजीज, कुछ नए शब्दों का मिक्सचर बना के रिप्रेजेंट कर दिया, मॉडिफाइड फॉर्म, कुछ वर्ड्स मॉडिफाई करके यूज़ कर दिया। तो फोर्थ नंबर पे उन्होंने रखा है डिक्शन। एट द एंड आपका जो भी प्लॉट है, जो भी करेक्टर है, जो भी थॉट है, आप उसको लिखित जो पेश करोगे, जिस पे फाइनली जाके ट्रेजेडी परफॉर्म होगी, दैट इज डिक्शन, दैट इज वर्ड्स। और उसमें ये सारी चीज़ें मौजूद हैं, एक एक करके मैंने आपको बता दिया है। फॉरेन टर्म्स, बाहर के एक दो शब्द यूज़ कर लो, बाहर के फॉरेन लैंग्वेजेस के, मेटाफोरिकल, अपनी बात कहने के लिए कुछ सिंबल, कुछ और चीज़ें यूज़ करो, खूबसूरत हो जाता है। ऑर्नामेंटल, सुंदर सुंदर वोकैबुलरी यूज़ कर ले शब्द की जगह अल्फाज, न्यू कॉलाजेस, न्यू शब्द के मिक्सचर यूज़ कर लो, मॉडिफाइड फॉर्म यानी कि कुछ मॉडिफाइड वे से शब्द यूज़ कर लो जो आपके काम को अलग करें। उसके बाद दोस्तों पांचवें नंबर पे उन्होंने दिया है सॉन्ग। तो सॉन्ग तो बेसिकली ट्रेजिडी में होते नहीं हैं, ये बेसिकली आपके कॉमेडी में होते हैं। तो दो प्रकार के हो सकते हैं ना आपके ड्रामा, ट्रेजिडी एंड कॉमेडी। तो फिफ्थ नंबर पे सॉन्ग रखा है, तो ये ट्रेजिडी में होते नहीं हैं, कॉमेडी में होते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही नहीं होते ट्रेजिडी में, पर एरिस्टोटल ने सीधे सीधे कह दिया, देख लो लिखा हुआ है, मोर सूटेड टू कॉमेडी देन ट्रेजिडी। ये बेसिकली कॉमेडी में ज़्यादा सूट करेंगे ट्रेजिडी के अलावा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट उसने बात की है स्पेक्टिकल की, लीस्ट इम्पॉर्टेंट स्पेक्टिकल हो गए दर्शकगण, जो फाइनली उस पूरे ड्रामा को, उस पूरी ट्रेजिडी को देख रहे हैं, वो उसके अकॉर्डिंग सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सो पस टड सस, नंबर वन पे इम्पॉर्टेंट है प्लॉट, सेकेंड नंबर पे करेक्टर, तीसरे नंबर पे थॉट, चौथे नंबर पे डिक्शन और पांचवें नंबर पे सॉन्ग, और सबसे कम है स्पेक्टिकल। सबसे कम मतलब इस पूरे को जो देख रहे हैं वो सबसे कम इम्पॉर्टेंट है। तो जो देख रहे हैं हमने उनका ध्यान नहीं रखना, हमने अपने काम पे फोकस करना है, जो देखने वाले हैं वो खुद देखेंगे। ठीक है, सो दोस्तों इस प्रकार हमारा एरिस्टोटल और उसका क्रिटिसिज्म पूरा अच्छे से फिनिश होता है। आपने एक बार गूगल कर लेना है एरिस्टोटल और उसके क्रिटिसिज्म को, इसी में ही आपके कुछ और पॉइंट्स ऐड हो जाएंगे, और उसके बाद एरिस्टोटल एंड हिज क्रिटिसिज्म पे एमसीक्यू भी सर्च कर लेने हैं, और इसके अलावा ऐप पे भी ढेर सारे एमसीक्यू इस टॉपिक पे मौजूद हैं। ठीक है, तो इस यूनिट को लेकर मैं फोर स्टेप आपको जर्नी दे रही हूँ। पहला जो क्लास में कराया गया कंटेंट है वो, दूसरा इसी कंटेंट इसी टॉपिक को गूगल से तैयार करें, तीसरा इसी टॉपिक पे एमसीक्यू गूगल से तैयार करें, चौथा इसी टॉपिक पे जो ऐप पे मैंने एमसीक्यू दिए उसको करें। ये फोर स्टेप पे आप करोगे, इसके ऊपर दोस्तों कुछ भी नहीं है, आपको कोई किताब नहीं लेनी, आपको कोई पैसे खर्च नहीं करने हैं। ठीक है, सो कैसा लगा दोस्तों आपको? ठीक है, अगर दोस्तों आपको ये सेशन अच्छा लगा तो ज़रूर हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में अगर आप ऐसे ही अच्छे से पढ़ना चाहते हैं बेहतरीन कंटेंट के साथ पूरा इंग्लिश लिटरेचर NTA पेपर 2, तो आज ही दोस्तों डाउनलोड करिए इंडिया का सबसे पहला पॉकेट फ्रेंडली पॉकेट पढ़ाई ऐप, जो लिंक है नीचे वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। जो कंप्लीट कोर्स इंग्लिश NTA पेपर 2 पे है वो मात्र 2499 पे इस ऐप पे मौजूद है, और इस कोर्स की वैलिडिटी एक साल की है, यानी कि आप देख सकते हैं अबाउट ओनली 200 पे करेंगे आप इस कंप्लीट कोर्स के लिए पर मंथ के हिसाब से। ठीक है, ये कंप्लीट कोर्स है, इसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल, कंप्लीट यूनिट वाइज सिस्टमैटिक वे से वीडियो लेक्चर, कंप्लीट MCQs, मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, प्रैक्टिस पेपर, PYQ, सब कुछ मिलने वाला है इसके ऊपर, और कुछ भी नहीं है। और ये एश्योर करेगा आपका नेट विद JRF। बस ध्यान रखें, जैसे ताली दो हाथों से बजती है ना, ठीक है, वैसे ही एक हाथ मेरा है आपका है, मैं आपके बिल्कुल साथ हूँ, आपने भी साथ चलना है, फिर देखो कैसे नहीं होता। साथ में दोस्तों हमारा व्हाट्सएप नंबर या कॉलिंग नंबर भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप में से कोई भी अगर सीरियस कैंडिडेट है, वाकई जिसको तैयारी से संबंधित कोई डाउट है, आप ज़रूर हमें संपर्क करें, हमारी टीम आपको ज़रूर गाइड करेगी। साथ में बहुत खूबसूरत परिवार है हमारा, फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम एंड इंस्टा पे, आप वहाँ पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं, लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, आई होप हंसते हंसते कटे आपके इस एरिस्टोटल और क्रिटिसिज्म के रास्ते, और आशा करती हूँ एक अच्छी फाउंडेशन आपकी हो चुकी है, और आशा करती हूँ आप बिल्कुल तैयार हैं और आपको अच्छे से समझ आ रहा है कैसे वी कैन क्रैक इट एंड वी कैन हिट इट। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, मिलेंगे एक और ऑसम ब्लॉसम सेशन के साथ आपके अपने पॉकेट पढ़ाई चैनल पर, जहाँ पर ट्रूली हमारा नारा है #ट्रूली डेमोक्रेटाइजिंग
एजुकेशन इन इंडिया, भारत में सच में भारत का एजुकेशन का लोकतांत्रिकवाद हो, एजुकेशन घर घर पहुंचे और हर घर हर बच्चे का सपना पूरा हो। बहुत सारा प्यार, बहुत सारी ब्लेसिंग, टेक केयर।